हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके अकाउंटिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को देखेंगे। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे एमसीक्यू को डिस्कस किया है जो आपके किसी भी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस के अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, CUET हो, किसी भी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला है क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ एसेट्स। एसेट्स का मतलब क्या होता है? लाइबिलिटीज माइनस कैपिटल, एसेट्स प्लस कैपिटल, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल की कैपिटल माइनस ड्राइंग। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। ऐसा कोई भी आपका एंट्रेंस पेपर हो या कोई भी पेपर हो जिसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया, हमेशा पूछा गया ही आपका ये क्वेश्चन। एसेट्स इक्वल टू क्या होता है? तो काफ़ी बच्चों का कन्फ्यूज़न होता है, इसमें एसेट्स प्लस कैपिटल लगा देते हैं, लाइबिलिटीज माइनस कैपिटल लगा देते हैं। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि एसेट जो होता है, हमारी जितनी भी लाइबिलिटीज़ होती हैं प्लस कैपिटल होती हैं, इसलिए पहले का ऑप्शन हो जाएगा, पहले का सी। दूसरा क्वेश्चन की हम बात करें, क्लोजिंग स्टॉक इज़ वैल्यूड ऑन कॉस्ट प्राइस, ऑन मार्केट प्राइस, विच एवर इज लेट बिटवीन कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस, कि डी है विच एवर इज मोर बिटवीन कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। जो क्लोजिंग स्टॉक का हम वैल्यूएशन करते हैं वो किस पे करते हैं? कॉस्ट प्राइस पे करते हैं, मार्केट प्राइस पे करते हैं, कि जो उन दोनों में से कम हो या उन दोनों में से जो ज़्यादा हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उन दोनों में से विच एवर इज लेस बिटवीन कॉस्ट और मार्केट प्राइस में से जो भी उसमें से कम हो उस पे हम वैल्यूएशन करते हैं क्लोजिंग स्टॉक का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, बैलेंस शीट क्या शो करता है? ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ फाइनेंशियल पीरियड, बी है नेट प्रॉफिट ऑफ फाइनेंशियल पीरियड, सी है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ पर्टिकुलर डेट, कि डी है ऑल रियल पर्सनल एंड नॉमिनल अकाउंट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल भी क्वेश्चन है कि जो बैलेंस शीट होता है, बैलेंस शीट हम क्यों बनाते हैं और क्या हम क्यों बनाते हैं, क्या शो करने के लिए? ग्रॉस प्रॉफिट हम ट्रेडिंग अकाउंट में शो करते हैं, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। नेट प्रॉफिट या नेट लॉस किस में? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बैलेंस शीट हमें क्या शो करता है? फाइनेंशियल पोजीशन, वित्तीय स्थिति बताता है एक पर्टिकुलर डेट पे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या शो करता है? नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, कि नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। जस्ट मैंने ये क्वेश्चन अभी बताया है कि जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट होता है वो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस शो करता है, वहीं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या शो करता है? हमारा नेट प्रॉफिट और नेट लॉस शो करता है, तो इसलिए 4th का ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 है, गुडविल क्या है? एक तरह का फ्लोटिंग एसेट्स है, बी है वेस्टिंग एसेट्स है, सी है फिक्टिशियस एसेट्स है, कि डी है इंटेंजिबल एसेट्स है। ये सारी मैंने जो टाइप्स ऑफ एसेट्स है ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है कि इंटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, फिक्स एसेट्स क्या होते हैं। इन चारों को आपको कमेंट बॉक्स में पिन करना है कि फ्लोटिंग एसेट्स कौन से एसेट्स होते हैं, वेस्टिंग एसेट्स कौन से होते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स कौन से होते हैं और इंटेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं। चारों के मीनिंग आपको कमेंट बॉक्स में पिन करने हैं विद एग्जांपल। तो गुडविल जो होता है, गुडविल आपका क्या होता है, गुडविल पे भी मैंने कंप्लीट लेक्चर लिया है जिसमें आपके न्यूमेरिकल प्लस जितने भी उसके मेथड्स होते हैं, टाइप्स होते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने एक वीडियो में कवर किया है। गुडविल काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो इसको आप ज़रूर पढ़ें। तो गुडविल एक तरह का क्या है, हमारा गुडविल आपका क्या है, ये इनटेंजिबल एसेट्स है, इसे हम ना तो देख सकते हैं ना तो छू सकते हैं, जैसे पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करें, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इन ट्राई बैलेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ये भी ऑलरेडी मैंने इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स में आपको डिटेल में बताया है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं। तो आपको कमेंट बॉक्स में पिन करना है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी क्या होते हैं, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं ट्राई बैलेंस को हम शो करते हैं लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, की बी है डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, की सी है डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, की डी है डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता है हमारा ट्राई बैलेंस में, उसको हम कहाँ शो करते हैं? उसको हम शो करते हैं कहाँ पर? लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। कहाँ पर? बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को शो करते हैं, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है कि बैलेंस ऑफ जो पर्सनल अकाउंट होते हैं विल बी शोन ए ट्रेडिंग अकाउंट, इन ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन ए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, की डी है बैलेंस शीट। जो बैलेंस होता है हमारे पर्सनल अकाउंट का उसको हम कहाँ शो करते हैं, उसको हम कहाँ पर शो करते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उसको हम बैलेंस शीट में शो करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है,
विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल। कैपिटल से हम क्या डिडक्ट करते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस की नेट लॉस। तो कैपिटल से हम क्या डिडक्ट करते हैं? नेट लॉस माइनस कैपिटल डिडक्ट हम करते हैं कैपिटल से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, वेजेस ऑफ न्यू मशीनरी विल बी सोन इन। न्यू मशीनरी वेजेस को हम कहाँ शो करेंगे? वेजेस अकाउंट में, मशीनरी अकाउंट में, कैश अकाउंट में कि एक्सपेंसेस अकाउंट में? तो वेजेस ऑफ न्यू मशीनरी को हम कहाँ शो करेंगे? इट विल बी सोन इन द मशीनरी अकाउंट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, ए सर्टेन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर। हमें क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना हुआ? आपकी ओपनिंग स्टॉक 3,700 दी हुई है, परचेज दी हुई है 20,800, क्लोजिंग स्टॉक दिया है 2,500। तो क्या हो जाएगा? तो हमारा क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो हमारा कितना है ओपनिंग स्टॉक, अगर हम वैल्यू पुट करें यहाँ पर, तो 3,700 आपकी ओपनिंग स्टॉक हो गई, प्लस कितना हो गया 20,800 आपकी परचेज हो गई, और माइनस किससे करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक जो कि 2,500 है। तो 3,700 और 20,800 को अगर ऐड करें तो हमारे पास कितनी आ जाएगी वैल्यू? 24,500। 24,500 में से हम 2,500 को लेस करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी आपकी? 22,000, मीन्स 22,000। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10th का आपका सी वाला आंसर सही हो जाएगा कि 22,000 हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? तो सबसे पहले आपको जानना ये ज़रूरी है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर हम बात करें, वो एक्सपेंडिचर होते हैं जब किसी कंपनी या फैक्ट्री में फिक्स एसेट्स परचेस की जाती है। इसे हम हिंदी में पूंजीगत व्यय कहते हैं। मीन्स जब किसी कंपनी या फैक्ट्री में फिक्स एसेट्स परचेस की जाती है, जैसे हमने कोई मशीनरी, व्हीकल, फर्नीचर या कोई भी इक्विपमेंट, या फिर अगर कोई भी मशीन पहले से ही, तो उसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है या उसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए उस मशीन को हम क्या करते हैं, अपग्रेड कर दिया जाता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं, तो हम इसे क्या कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। ठीक है, वहीं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, जो किसी बिजनेस में बार बार या लगातार किए जाते हैं। ठीक है, उसके ऑपरेशनल कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात, सॉरी, पहला क्वेश्चन है आपका कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे एक्सपेंसेस होते हैं। पहला कह रहा है विच आर इंकर्ड ऑन बिजनेस एक्टिविटीज, बी है विच आर इंकर्ड ऑन रिपेयर ऑफ द प्रेजेंट एसेट्स, सी है विच आर इंकर्ड इन द ओवरहॉलिंग ऑफ द मशीन, की डी है विच आर इंकर्ड ऑन द परचेस ऑफ फिक्स्ड। जस्ट मैंने बताया कि पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होते हैं कि किसी भी, जैसे हमने कोई मशीनरी फिक्स एसेट्स परचेस की, तो उसमें जो भी हम प्रोडक्शन कैपेसिटी या उसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए अपग्रेड किया जाता है, दैट इज वो खर्चे क्या होते हैं, हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। इसलिए पहले का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है भाई, कैपिटल एक्सपेंडिचर के द्वारा क्या एसेट्स बढ़ता है, एसेट्स डिक्रीज करता है, कि लाइबिलिटी सेम रहता है, कि लाइबिलिटी डिक्रीज करता है? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के द्वारा हमारा क्या होता है, यहाँ पर आपकी जो कैपिटल है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि उसको हम अपग्रेड किए हैं, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी, मीन्स क्या होता है, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी, उसकी लाइफ को बढ़ाएं, तो उससे एसेट्स हमारे क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इरेक्शन एक्सपेंडिचर ऑफ न्यू मशीनरी इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल लॉस की रेवेन्यू लॉस? तो ऑप्शन नंबर तीसरे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है, लार्ज अमाउंट जो हमने स्पेंड किया स्पेशल एडवर्टाइजमेंट पे, हमने क्या किया कि प्रचार के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए बहुत लार्ज अमाउंट खर्चा किया, तो वो किस तरह का खर्चा हुआ? कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं, रेवेन्यू लॉस नहीं, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हाँ। तो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जब हमने क्या किया कि एक लार्ज अमाउंट स्पेंड किया एक स्पेशल एडवर्टाइजमेंट पे, तो दैट इज कॉल्ड आपका हो जाएगा डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेंसेस ऑन रिपेयर ऑफ द ओल्ड ऑफिस फर्नीचर। हमने क्या किया, पुराना फर्नीचर था उसको रिपेयरिंग के लिए दे दिया, तो उस पर जो खर्चे हैं वो क्या होंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, की कैपिटल एंड रेवेन्यू बोथ? तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, वो किस तरह का
है, दैट इज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्योंकि देखो रिपेयरिंग हमने क्या बताया कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं आयगत व्यय जो किसी बिजनेस में बार बार या लगातार किए जाते हैं या करने पड़ते हैं, जो फिक्स एसेट्स होती हैं, स्थायी संपत्ति होती हैं उसके ऑपरेशनल कैपेसिटी को बढ़ाए रखने के लिए। नेक्स्ट है कैपिटल प्रॉफिट। क्या कौन सा प्रॉफिट है? कैपिटल प्रॉफिट इज दैट प्रॉफिट विच इज रिसीव फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बी है विच इज रिसीव बाई द सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, की विच इज रिसीव बाई द सेल ऑफ गुड्स, की डी विच इज रिसीव फ्रॉम एनी गवर्नमेंट ऑफ द बिजनेस। तो कैपिटल प्रॉफिट हमारी कौन सी प्रॉफिट होती है? तो कैपिटल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होती है, वो प्रॉफिट जो अराइज होती है फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, उसे हम कैपिटल प्रॉफिट कहते हैं। वहीं रिवेन्यू प्रॉफिट क्या होती है? वो प्रॉफिट जब अराइज होती है परचेज एंड सेल ऑफ ट्रेडिंग गुड्स फ्रॉम द ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू प्रॉफिट। तो कैपिटल प्रॉफिट कौन सी प्रॉफिट होती है? विच इज द रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को प्लीज आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करें कोई भी डाउट हो तो।